हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दैट लास्ट मिनट टिप्स टू क्लियर द डीबीटी जीआरएफ 2020 कि व्हाट शुड यू डू या आप अभी क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करने वाला हूँ कि कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से रिकमेंडेशंस के तौर पे सबसे पहला ये रिकमेंडेशंस कि देखिए, अगर 30 जून को एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली कि कई सारे जो बच्चे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। हालांकि इससे कॉम्पिटिशन जो होगा वो कम होगा लेकिन हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाएगा। बट स्टिल अगर आप एग्ज़ाम देने की तैयारी में हैं तो आपको किन मुद्दों पर या किन पॉइंट्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कुछ ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होते हैं जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री, आपके आरटीटी और कुछ माइक्रोबायोलॉजीज, कुछ एंजाइम काइनेटिक्स, इन सब से रिलेटेड होते हैं। उन मैक फॉर्मुलेज को क्लियर कर ले, रिमेम्बर कर ले, याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले। फॉर्मुले जो होते हैं, मैक्सिमम बता दो कि लाइफ साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 फॉर्मुलेज होंगे। उन फॉर्मुलेज को एक जगह पे नोट डाउन कर ले, अगर नहीं अवेलेबल है तो इसी चैनल के पुराने वीडियोस में जाके आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पूरा का पूरा फॉर्मूला वीडियोस पड़ा होगा एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोप्रोसेस फॉर्मुलेज के नाम से। ठीक है, एंड उसके अलावा जब मैं बात करता हूँ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, अब जो है बेसिक चीज़ों पे कहते हैं, अब नई चीज़ों पे पढ़ने के बजाय क्या करो कि एक बार एक दो दिन में चीज़ों को क्विक रिकॉल कर लो जो अभी तक आपने पढ़ा है। और बेसिक उनमें से खासकर जैसे बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम्स, उसके बाद आरडीटी, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये कुछ बेसिक जो है इनको पढ़ लीजिए ढंग से, क्योंकि ये सेक्शन ए में भी पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अपने आप को पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली कई लोग ऐसे जो होंगे जो काफ़ी मेहनत भी किए होंगे लेकिन ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर किसी ने छींक दिया या खांस दिया तो डेफिनेटली एक अजीब सा एक टेंशन का माहौल रहेगा। इतने सारे स्टूडेंट्स आएंगे उस एग्जामिनेशन सेंटर पे एंड रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ऑफ कोरोना इज ऑल्सो हाई। तो इसकी वजह से अगर हम बात करते हैं तो ये जो होगा कि डेफिनेटली थोड़ा सा आपके मेंटल प्रेशर को भी डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि आप आते हुए क्वेश्चन गलत करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एग्जाम देने के मूड में हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने माइंड को काम रखें और कूल रखें। जब आप पहुंच ही गए हो, जब आप एग्जाम देने के लिए ठान ही लिए हो तो फिर डरना क्या, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। लेकिन डेफिनेटली जब गए हो तो पूरा 100% दे के आना, ऐसा नहीं कि पता लगा गए भी और उसके बाद फिर दिमाग डिस्टर्ब हो गया और कोशिश नहीं किए, मेहनत भी किए, सारी चीज़ें डाबर डोल हो गई। तो ऐसा मत करना, दिमाग को काम रखने की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए सिंपल सा तरीका है किसी फैमिली मेंबर के साथ जाना और जाने से एक ईयरफोन और मोबाइल लेके जाना, एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले तक कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहना और जैसे ही आप एंट्री मिलनी शुरू हो आप एंट्री ले लेना और मोबाइल और ईयरफोन अपने कहते हैं कि फैमिली मेंबर को पकड़ा देना, आफ्टर एग्जाम वो तो उसके बाद चीज़ें हो जाएंगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि मैं हर एग्जाम को पहले बात करता हूँ कि हर एक एग्जाम में वॉशरूम होता है और कोशिश करना कि लेस यूज करने के लिए घर से सारी चीज़ें तो थोड़ा सा सही करके जाना क्योंकि कंटामिनेशन बढ़ेगा। बट ध्यान एक चीज़ रखना कि एक बार जरूर अपने आप को अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉशरूम में मिरर है तो ठीक है, नहीं है तो जस्ट कहीं बालकनी या बाहर खड़े होके 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आंखें क्लोज करना, अपने आप से कहना यस यू कैन डू इट, यू विल डू इट एंड यू विल से दैट यू डिड इट। आंखें बंद करके जब ये 1 मिनट तक अपने मास्क बोलोगे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, डेफिनेटली वो आपके कॉन्फिडेंस को उस टाइम पे बढ़ा देगा ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, सो ये चीज करना। उसके अलावा जो और नेक्स्ट ट्रिप के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करना कि अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें PYQs को सॉल्व करना कुछ शुरू कर दो। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं आपसे यही रिकमेंड करता हूँ डीबीटी जीआरएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। जितने भी आपके टिपिकल क्वेश्चंस से जल्दी जल्दी सॉल्व करो और देखोगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे डील करने, तो वो आपको रियल सिनारियो और रियल चीज़ों में हेल्प करने की कोशिश करेंगे रैदर देन कि आप बुक्स या चीज़ों को पढ़ने के बजाय PYQs जाकर डीबीटी जीआरएफ का सॉल्व करिए और कुछ गेट से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अल्टीमेटली कहते हैं कि जब तक फैसला ना हो जाए तब तक हार नहीं मानना चाहिए। तो डेफिनेटली हार नहीं मानना, आराम से जाना काम होके और एग्ज़ाम देने की कोशिश करना, डेफिनेटली अच्छा होगा। एंड एक और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है अड़चने चढ़ती रहेंगी, प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, अगर एग्ज़ाम देना है तो देना है और ध्यान रखना हमेशा कि मुश्किलों से नहीं डरना है,
और करना है तो करना है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना, और जो अभी टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करो डीबीटी में, क्योंकि सीएसआईआर तो पोस्टपोन हो चुका है 30 के बाद, अब वो 30 के बाद ही होगा, तो डीबीटी में टाइम लगा दो। अभी भी 15 दिन आपके पास है डीबीटी के लिए, और 15 दिन आपके पास, 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। एक शेड्यूल बनाओ, पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, हर एक दिन एक पेपर सॉल्व करो, 15 दिन में 15 पेपर्स, अगर 15 भी नहीं 10 पेपर भी सॉल्व करते हो, 5 दिन रिवाइज करो, पहले 5 दिन रिवाइज करो, बाकी 10 दिन क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, विद द रिवीजन मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि सॉल्व कर सकते हो, और टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पे अगर 2 मिनट दोगे तो 100 × 2 = 200 मिनट्स, यानी 3 घंटे, 3 घंटे के आप डीबीटी ज्यादा के लिए पढ़ नहीं सकते दिन में, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं 3 घंटे, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं आप 100 क्वेश्चंस डीबीटी जीआरएफ के एक पेपर के। 10 साल का पेपर, 5 दिन रिवीजन, एंड डेफिनेटली कुछ अच्छा होके आएगा। तो जाइए इस चीज को करिए एंड कॉन्फिडेंटली क्लियर करिए डीबीटी जीआरएफ के लिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं या स्मार्ट लर्निंग एकेडमी जो है आपके टेस्टरी चला रही है डीबीटी जीआरएफ की, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और ये जो वेबसाइट आपके नीचे आ रही भी होगी, और यहाँ पे आप वेबसाइट पे विजिट करिए और जुड़ जाइए डीबीटी जीआरएफ के टेस्ट सीरीज से, और अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डीबीटी जीआरएफ एग्जामिनेशन। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बींग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।